राजकोट जिला के धोराजी, उपलेटा, जाम कडोना सहित के तालुका पंचायत के ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर चुनाव विभाग सतर्क बना है। जाम कडोना सहित उपलेटा, धोराजी आदि ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर राजकोट जिला चुनावी विभाग सतर्क और सावधान बना है। ऐसे में धोराजी, उपलेटा, जामगोना तालुका के 138 बूथ संवेदनशील तथा तमाम बूथ पर कड़ा और पुख्ता पुलिस बंदोबस्त लादा गया है। चुनावी साहित्य को लेकर स्टाफ मतदान मथक जाने के लिए रवाना होते हुए कल धोराजी, उपलेटा, जाम कडोना की कुल मिलाकर 91 ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले है। तो वही तमाम मतदान मथक बूथ पर कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए तमाम नियमों का पालन करने के साथ सलामती और सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता पुलिस बंदोबस्त तैनात किया है, जिसकी जानकारी डिप्टी कलेक्टर गौतम मियानी द्वारा दी गई थी। जीवी मियानी, प्रांत अधिकारी धोराजी। राज्य चूंटणी आयोग द्वारा जे ग्राम पंचायत ने चूंटणी जाहिरनामु बहार पड़ेलू छे तेना अनुसंधाने तारीख 19 ना रोज मतदान की कार्यवाही थवानी छे। जे अनुसंधाने धोराजी, उपलेटा ने जामकंडोना नी कुल 121 ग्राम पंचायतोनी चूंटणी थवानी हती, जेमांथी कुल 30 सरपंचनी चूंटणी बिनहरीफ थयेल छे। एटले मात्र हालनी अंदर जे बाकी छे एमां 91 सरपंचनी चूंटणीओ छे, 91 ग्राम पंचायत चूंटणी छे अने कुल 263 उम्मेदवारो छे, ज्यारे 477 वोर्डना सभ्योनी चूंटणी छे अने जेनी अंदर कुल 1155 उम्मेदवारो छे। आ चूंटणी प्रक्रियानी अंदर कुल धोराजी तालुकानी अंदर 9 चूंटणी अधिकारी, उपलेटा तालुकानी अंदर 11 अने जामकंडोना तालुकानी अंदर 10 चूंटणी अधिकारीઓની નિમણૂક થયેલી છે। ધોરાજી તાલુકાની અંદર આ ચૂંટણીની કામગીરી સાથે સંકળાયેલા સ્ટાફની વાત કરીએ તો ધોરાજી તાલુકાની અંદર કુલ 370નો સ્ટાફ, કંડોણા તાલુકાની અંદર 335નો સ્ટાફ અને ઉપલેટા તાલુકાની અંદર 655ના સ્ટાફ, પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર, પોલિંગ ઓફિસર, મદદનીશ પોલિંગ ઓફિસરની નિમણૂક થયેલ છે। સાથે સાથે જે સંવેદનશીલ મતદાન મથકો છે કે જ્યાં ચૂંટણીના સમયે કોઈ ગેરરીતિ થવાની સંભાવનાઓ હોય તેવા સંવેદનશીલ મતદાન મથકો આઇડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવેલા છે। કુલ ત્રણેય તાલુકાના થઈને 64 બિલ્ડિંગો અને 138 બૂથ સંવેદનશીલ નક્કી થયેલા છે, જ્યાં વધારાનો પોલીસ ફોર્સ અને વિડીયોગ્રાફરની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે। સાથે કોરોનાની ગાઈડલાઈનને અનુસંધાને હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા દરેક બૂથ ઉપર હેન્ડ ગ્લોવ્સ, પીપીઈ કીટ, સેનેટાઈઝરની વ્યવસ્થા કરેલી છે, તેમજ હેલ્થની ટીમો પણ જે તે બૂથ ઉપર ડિપ્લોય કરવામાં આવેલી છે।